Hey guys, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपको क्या जानने की जरूरत है, आपको क्या जानने की आवश्यकता है जो आपकी जिंदगी में बिल्कुल आने वाला है। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो, यू नीड टू हियर व्हाट इज कमिंग फॉर यू। सो देख लेते हैं, इसमें कुछ अर्जेंट मैसेजेस भी होंगे एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे कि कुछ अगर इम्पॉर्टेंट ओके इन्फॉर्मेशन है तो आपके तरफ हम वो पहुँचाए, ठीक है, तो वो क्या होगा। सो लेट्स सी, सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लेट्स सी। टाइम इज कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @ सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। डोंट वरी, दिस इज माई चैनल ओनली डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स एंड यू आर माई डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स फैमिली। पर यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग अलग है ड्यू टू माई फर्स्ट हाउस। सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की जरूरत है, क्या जानने की आवश्यकता है, प्लीज बताए यूनिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मॉर्निंग ड्यू गर्ल, दिस इज द 13 नंबर। ओके, द परफेक्ट की, वी डू हैव द टाइनी ट्रायम्स, ओके, वी डू हैव द गार्डनर, वी डू हैव द 47 माई डियर फ्रेंड। यहाँ पे है ब्लूम, यहाँ पे है होम इन द स्काई। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अंडर माई अम्ब्रेला। यहाँ पे मैं पहली बात तो है मैं बता देती हूँ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, फिर भी कुछ है इम्पॉर्टेंट, जैसे टॉरस, वृषभ, कन्या, मकर राशि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस वन तुला राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन तुला राशि है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि देर इज अ फायर साइन ऑल्सो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं राइट हैंड पे ब्रेसलेट पहने हुए हैं, राइट हैंड पे आप कुछ इस तरह से, और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए अगर आप फीमेल है तो आपकी हेयर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, मीडियम लेंथ भी हो सकता है या जूड़ा बांध के अपने रखा है। ओके, सो बेसिकली जो मुझे आपसे कहना है वो इस तरह से है। अच्छा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पे। बाद में साइंस के ऊपर हम जाएंगे दूसरा टैरो डेक से। आई डू फाइंड कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रात गई तो बात गई, ठीक है, रात में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, रात में जो भी समस्या हुआ होता है, ठीक है, रात में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किया है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में और कोई मैटर नहीं रखता, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आप अगर पिछले रात की बातों को लेके सुबह सुबह ही उसको माइंड करना शुरू कर दे तो आपकी दिन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। बिकॉज आई डू फाइंड कि तब आपके माइंड इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में भरे हुए होंगे, इतना लोडेड होंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा जो चाबी है, ठीक है, वो सही लॉक को खोलेगा। सो ऑफ कोर्स आपके पास सॉल्यूशंस है, लेकिन शायद आप इतना कंफ्यूज्ड रहते हैं या इतना आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से इतना ज़्यादा भारी हो जाता है ड्यू टू एडजेसेंट प्रॉब्लम्स कि आपको वो सही चाबी मिलता ही नहीं है, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं आप। बेसिकली आने वाले समय में छोटी छोटी खुशियां ही आपका दिन रोशन करेगा। कुछ लोगों के लिए आपकी जो है ना, आप एक प्रोफेसर, एक टीचर, एक यू कैन से गाइड, एक मेंटोर, एक यू कैन से दैट अ पर्सन हु स्टार्ट्स देयर ओन ओके बिजनेस, जहाँ पे दैट इज एंटरप्रेन्योर बेसिकली, बट फिर भी एक ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोजगार वहाँ से जुड़े हुए होंगे। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझे धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, वो बढ़ रहा है। आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट से ट्रैवल करना, आना जाना हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी फ्लाइट ही आपकी घर है, ठीक है,
बट यू विल ट्रेवल इन हाई क्लास, बिजनेस क्लास ट्रेवल, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होगा, सपोर्टिव पार्टनर्स आपको मिलेगा, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जिनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा वो लाइफ टाइम के लिए बनेगा, ठीक है, और जिनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा नहीं, वो हज़ार आप कोशिश करेंगे वो बनेगा नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप ऐसे फूल है जो डेफिनेटली खिलेंगे, और जब फूल खिलता है तो लोगों की नज़र उसमें पड़ता ही है। फ्लावर्स आर नोन फॉर देयर फ्रेग्रेंस, फॉर देयर ब्यूटी, फॉर यू कैन से एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो सब लोग फ्लावर्स, चाहे कोई भी हो, अगर सुंदर दिखता है वो, ठीक है, तो उसको सब लोग एक्सेप्ट करते ही है। इनर ब्यूटी ऑल्सो मैटर्स बट आउटर ब्यूटी ऑल्सो मैटर्स एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपकी इनर ब्यूटी, जो इतना ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हो फ्रॉम इनसाइड, आपके जो एक सुंदरता है वो अंदर से निखर कर आ रहा है। अंदर अगर आपका हेल्थ अच्छा है, अगर आप क्वालिटी अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, डाइट फूड मेंटेन कर रहे हैं, प्रोसेस फूड अवॉइड कर रहे हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कुछ अभी से आप, अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम कार है, आपको खरीदना है, तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम राइट नाउ। दूसरा चीज़ है कि घर ऐसा आशियाना होता है कि जहाँ पे सब लोग रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, चाहे बहुत बड़े फाइव स्टार होटल्स क्यों ना हो, होम इज अ होम ओनली, अपना घोंसला ही होता है। सो आई डू फाइंड, एंड मुझे दिख रहा है एवरी डे यू विल रियलाइज, हर एक दिन बीतेगा और आप रियलाइज करोगे कि आप किस लेवल पर हैं और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, क्लोज कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग आपका जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि यस यू विल सक्सीड बाई मेकिंग अ टीम। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है अभी से ही, जैसे आप लेक्चर हॉल में अटेंड कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पहले से ही, और आप अपना लेक्चर जो है शुरुआत कर रहे हो, उनको समझा रहे हो, उनको कन्विंस कर रहे हो। मे बी इट इज़ नॉट लाइक स्टूडेंट्स बट यू आर कन्विंसिंग योर क्लाइंट्स, ठीक है, और आप उनको समझा भी पा रहे हैं, आपके अंदर उतना शक्ति है, उतना स्ट्रेंथ आप मिल रहा है, ठीक है, एंड दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जो शक्ति है, इनर करेज एंड कॉन्फिडेंस, उसी से ही आपका जो विनिंग स्ट्रेटेजी है उसका मेन हिस्सा है इनर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। आपने प्लान तो बना लिया, फंड अरेंजमेंट कर लिया, लोग भी आपके सामने मौजूद कर दिया गया, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाएंगे जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। एटलीस्ट बाहर से आप दिखाओ लोगों को, अंदर से मे बी आप थोड़े से इमोशनल हो, लेकिन आप बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करना है कि नो आई एम नॉट अफ्रेड, क्योंकि वो आपके अंदर की बात तो नहीं जानते कि आप सही में डरते हैं किसी से या नहीं। समझ में आ रहा है ना, पर आपको सही में डरने की भी कोई ज़रूरत है ही नहीं। सो जजमेंट कार्ड ऑलवेज मेक्स अस फील कि जो भी हमने कर्म किए हैं उसका रिवर्स हमें मिलेगा, अच्छे कर्म का ऑफकोर्स अच्छे रिवर्स आपके लिए वेट कर रहा है। अभी मैं दूसरा टैरो डेक से देख लेती हूँ कि आपको क्या जानने की आवश्यकता है। सो आई डू फील लाइक कोई भी छोटा प्रॉब्लम्स को मेजर प्रॉब्लम्स के हिसाब से मत देखिएगा। मेजर प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर आप उसको और मेगा प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखें तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेगा। उसको आप ऐसे से देखें कि हाँ उसका सोल्यूशन हो ही जाएगा नो मैटर व्हाट। सो टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, द टेम्परेंस, देखा बहुत सुंदर कार्ड है ये, द फूल, एक नई शुरुआत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स ग्रेट, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन,
वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनुराशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, सजिटेरियस धनुराशि, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। आई डू फाइंड लाइक अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो संभाल नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरा जो है मैं किस में फोकस करूँ, अपने स्टडीज़ में करूँ, अपने जॉब में करूँ, अपने फैमिली लाइफ में करूँ या जॉब में करूँ, अपने फाइनेंसेस के ऊपर करूँ या मैं किसी और बिजनेस स्टार्ट करूँ, आप दोनों लेके घबरा रहे थे। ठीक है, आप दोनों में आपका क्या हो रहा था ना, यू कुड नॉट बैलेंस योर सेल्फ। बट यहाँ पे विद द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस यू विल बी एबल टू डू दैट। अगर आपका इच्छा इस तरह से है कि नहीं मैं मुझे मल्टीपर्पज बिजनेस जो है यहाँ पे खोलना है और उसमें भी मुझे अच्छे तरह से रन करना है, ठीक है, वो होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ केक शॉप, ऑन द अदर हैंड यू हैव अ बुक शॉप ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, किताब की दुकान भी है, ठीक है, और केक पेस्ट्री की भी दुकान है, लेकिन आपको दोनों को ही चलाना है बिकॉज बोथ आर गुड बिजनेस। ठीक है, बट आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, बट आप एडजस्ट कर ही लोगे। आप ये सोच लेना कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो कैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो कैसे अपना टाइम को मैनेज कर लेते हैं, यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलवेज अ रेनबो इंडिकेट्स दैट गुड टाइम्स आर कमिंग इन योर लाइफ, ये आपको जानने की जरूरत है। भले ही कुछ चीज़ों का अंत हो चुका है, बिकॉज वो चीज़ का अंत होना ही बेहतर था। मे बी आपकी जो जिंदगी है बहुत बड़ा, देखिए इतना ज्यादा आप घाव, अभी तक आप हार्ट है, अभी तक आप वोंडेड है, अभी तक आप घायल है, आप उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाए। लेकिन आपको ये जानने की भी जरूरत है कि यहाँ पे देखो एक आउल इज देयर, राइट, आउल ऑलवेज इंडिकेट्स दैट यस भले एंड तो हुआ है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमें जो ज्ञान मिला, उससे जो लेसन्स मिले, ठीक है, सपोज किसी का ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में एंड हो गया है, ठीक है, उसमें और कुछ बचा ही नहीं, उसमें कुछ एक्साइटमेंट था ही नहीं, एवरी डे इट वॉज अ सेम। ठीक है, आप वेट कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हो, आप ही का जैसा टेंडेंसी है बात करने का, उसका ऑपोजिट साइड से कुछ ऐसा परवाह नहीं है, फोन करो तो फोन करे वरना वो खुद भी भूल जाए। इस तरह से अगर रिलेशनशिप चल रहा था जहाँ पे अनइक्वल था सब कुछ, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप रह के भी क्या फायदा, क्योंकि वो आप ही के इनिशिएटिव से हो रहा है ना, दूसरे के इनिशिएटिव से तो नहीं हो रहा है। इट शुड बी लाइक दैट दैट द एनिमल शुड अंडरस्टैंड दिस। सपोज दिस आर टू सोल्स, राइट, ऑफकोर्स सोल्स, तो ये इसको समझ रही है कि ये मेरे ऊपर बैठी तो है लेकिन ये मेरे पार्टनर है, और ये भी इसको आराम से इसके ऊपर इस वजह से बैठी है क्योंकि ये उसको सपोर्ट दे रहे हैं, कंफर्टेबल पोजिशन दे रहे हैं, आराम से ये बैठ रही है इसको। सो देयर शुड बी अ सपोर्टिव कोऑपरेटिव, ठीक है, इमोशनल बॉन्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि नहीं मैं इसको फेंक ना दूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरे पार्टनर है। तो उस तरह का अगर सोच था ही नहीं तो वो सिचुएशन एंड होना ही बेहतर था। अगर हम इसको करियर वाइज देखें तो हो सकता है कि आप जिस करियर में थे उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं था, उसमें मार्केट में भी डिमांड कम हो चुका था, तो यू डेफिनेटली विल हैव अ न्यू स्टार्ट बिकॉज आप उसे सीख गए, फिर आप उसे प्लान्स को आगे बढ़ाने की भी कोशिश किया, एंड डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू कम्युनिकेशन, अ न्यू यू कैन से मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू दैट आपको पता है इस तलवार से अगर हम क्रॉस करें तो हम काट जाएंगे, तो हम क्या करें, हम यहाँ से घूम के फिर उड़ जाए। सो ऑफकोर्स यू विल बी नाउ मोर इन अ सेफर मोड, आप सेफ खेलोगे, ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कमांड इन यू कैन से दैट योर पोजीशन, आपके पोजीशन को लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसको तो हम हटा के खुद बैठ जाएंगे उस जगह पे, बट ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। अगेन अ न्यू करियर इज स्टार्टिंग फॉर यू, यू नीड टू हियर दिस। आप रिस्क ले रहे थे, आप अगर आप सोच रहे हैं मैं कम्फर्टेबल हूँ अपने घर में हूँ, आराम से बैठ के मैं खाना वाना खा रही हूँ तो भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी आप एक नई शुरुआत कर ही सकते हैं। सो फाइंड अ लॉयल गुड पार्टनर एंड ट्रस्टवर्थी पार्टनर इन द फ्यूचर।
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो नहीं हो पा रहा था, जो आपकी मन में दुविधा था वो सही, सब कुछ सही होते जा रहा है। यू विल बी इन मच मोर बैलेंस्ड पोजिशन। और जब लोग अपने आप को बैलेंस हार्मनी से लेके आते हैं तो उनके लिए छोटा सा छोटा काम भी, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी तो कुछ नहीं है उनके सामने, और छोटा काम तो वो इजिली कर ही सकते हैं। सो जो मैंने आपको समझाया इस कार्ड और इस कार्ड के बीचों बीच में, आपको याद रखना है रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तो अच्छा है। अगर उस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ जहर के सिवा और कुछ नहीं मिला, दुख और रोने के साथ, आप यहाँ पे इस पृथ्वी में आए हैं सिर्फ रोने के लिए नहीं, आप अपना काम करने के लिए आए हैं। एवरी सोल हैज देयर ओन लाइफ सोल पर्पस। जो उसको रियलाइज करता है तो अच्छा, नहीं रियलाइज करता है तो और भी अच्छा, उसको तो करना ही पड़ेगा एक ना एक समय में। बट अगर आपने रियलाइज कर लिया है, सो नाउ यू आर ऑन अ न्यू जर्नी, ठीक है, आप फ्री हो गए, ठीक है, अभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, अभी मेरे पर्सन ने मुझे कुछ बोला नहीं, टोकेगा नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं अपने रास्ते में चलूँ। कोडिपेंडेंसी जो इश्यूज है वो भी आपको ख़त्म कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके, देखो, न्यू रिलेशनशिप्स डेफिनेटली आएंगे, क्लैरिटी होगा उसमें, लेकिन फिर भी आप जो कोडिपेंडेंट इश्यूज है वो अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगी, वो अच्छा नहीं रहेगा तो मेरा भी मूड खराब है, वो सब कुछ आपको नहीं करना। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अगर आप को लगे कि यस मैम की बात सुनना है तो सुनना, अगर आपको लगे नहीं हम मुझे अपना ही चलाना है तो चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस डिविनिटी थिंग्स ओके आर ऑलवेज अ गाइडेंस टू पीपल। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। आप प्रैक्टिकल होके समझ लो ना ये चीज़, जैसे कोई आपको बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको सुना रहा है कि मेरा आप रहो या ना रहो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आप तो स्पिरिचुअल है ना, आप तो समझ में ही आ रहा है कि क्या है। आपका एक न्यू करियर शुरुआत होगा, आप एक न्यू करियर के लिए जितना प्रोत्साहित हो रहे हो जाओ। आप पीछे की तरफ देखोगे आपको दुख के सिवाय तो कुछ मिलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है मिलेगा कुछ। ये वाला मुझे सीन हमेशा दिखता है कि ये ऐसा है राइट, कि इतना आपको बैक स्टेप किया गया है आपके पीठ पीछे, और वो भी पता है क्यों। यहाँ पे सारे स्वर्ड्स के ऊपर ना मुझे कुछ ऐसे डिजाइन दिख रहे हैं जैसे कुछ पैसों की वजह से हुआ हो। वो सता यू आर एक्सप्लॉयटेड, यू आर अब्यूज्ड बाय योर हस्बैंड और समवन हु हैड ब्लैकमेल्ड, उस तरफ से, उस जर्नी से आप निकल जाओगे, उस तकलीफ से आप रिलीफ मिल जाएगा आपको। कैसे? बिकॉज यू आर ऑन योर ओन जर्नी। जब आप जर्नी में चल रहे हो, एंड यू नीड टू हियर दिस ऑल्सो गाइज, जब हम अपने जर्नी पे चलते हैं, जब हम कोई उम्मीद नहीं रखते लेकिन हम अपने एम्बिशंस के ऊपर काम तो करते हैं, तो तभी हमें जाके अपना जो डेस्टिनेशन है वो मिल ही जाता है। आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, आपको जाना है ऑफिस या बिल्डिंग में, आप इतना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, आप रास्ता ही भूल गए, कहीं और पे चले गए, आपका डेस्टिनेशन तो आपकी ऑफिस ही था ना। सो आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके माइंड इतना भारी था, आप कौन सा रास्ते से चले गए आपको पता ही नहीं चला। सो यू हैव टू बी ऑन द करेक्ट वे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।